गुड मॉर्निंग। साइटोलॉजिकल एंड मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ SAM हम पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में बताया था कि मेरिस्टेम्स क्या हैं, मेरिस्टेम्स कहाँ पाया जाता है, इसके साइटोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया था। नए रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं बनते हैं इनिशिएटेड फ्रॉम टिश्यू विथिन द कोर ऑफ द रूट एंड इमर्ज थ्रू द ग्राउंड टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू। रूट मेरिस्टेम कैन आल्सो बी ड्राइव्ड सेकेंडरली फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट इन केस ऑफ मेज, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ रूट मास। शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस स्टेम लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। SAM वो स्टेम लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को निर्मित करता है। इसी के साथ इन एडिशन टू द शूट एपिकल मेरिस्टेम इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ये बनता है। एक्सिलरी शूट एपिकल मेरिस्टेम भी बनता है, ड्राइव्ड होता है ओरिजिनल वन फॉर्म इन द एक्सिल द एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम। अनलाइक न्यू रूट मेरिस्टेम दीज अराइज फ्रॉम द सरफेस लेयर ऑफ द मेरिस्टेम। न्यू रूट मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टेम के सरफेस लेयर से निर्मित होता है। एंजियोस्पर्म शूट एपिकल मेरिस्टेम आर कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स, तीन लेयर्स का बना होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, L1, L2, L3। L1 डिवाइड होता है पैरेलल और इससे एपिडर्मिस निर्मित होती है। L2 से मेसोफिल सेल्स निर्मित होती है। L3 से सेंट्रल टिश्यू निर्मित होता है। वन वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स टू प्लांट स्ट्रक्चर्स इज बाई कंस्ट्रक्टिंग काइमेराज। प्लांट काइमेराज आर कंपोज ऑफ लेयर हैविंग डिस्टिंक्ट जीनोटाइप विथ डिसनरेबल मार्कर्स। When L2 for example has a different genotype than L1 or L3, all pollen will have the L2 genotype indicating that pollen is derived from L2. Chimeras have also been used to demonstrate classical induction in plants in which, as in animal development, one layer influences the developmental pathway of an adjacent layer. अब बात आती है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के कौन कौन से ऐसे पाथवे हैं जो इसको कंट्रोल करता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दो पाथवे हैं। एक पाथवे का नाम है वुश पाथवे, ये मैं आगे बताया, ये जैसे WUS वुश, क्योंकि वुश जीन है, वुशेल जिनका फुल नेम है वुशेल, WUSCHL वुशेल जीन। वुशेल जीन से जो पाथवे बनता है उसे कहते हैं वुश पाथवे। दूसरा पाथवे STM, STM जीन का पूरा नाम है शूट मेरिस्टेम लेस। ये जो जीन है ये मेंबर ऑफ नॉक्स फैमिली का मेंबर है, नॉक्स फैमिली, KNOX नॉक्स फैमिली। तो दो पाथवे के द्वारा ये कंट्रोल होता है और तीन जीन्स रेस्पॉन्सिबल है इसको SAM को रेगुलेट करने में। तो जीन्स दैट कंट्रोल SAM, थ्री क्लासेस ऑफ जीन्स हैं, STM शूट मेरिस्टेम लेस, वुशेल, क्लेवेटा जीन, इसे शॉर्ट फॉर्म है CLV, क्लेवेटा जीन के शॉर्ट फॉर्म है CLV। और शूट मेरिस्टेम लेस मेंबर ऑफ नॉक्स फैमिली है, ये SAM में रीजन है, तीन रीजन होते हैं, एक तो ये जो साइड में जो रीजन दिखाई दे रहा है देखिए लिखा है PZ लिखा है, इसे कहते हैं पेरिफेरल रीजन, और ये पेरिफेरल रीजन है, और एकदम ये जो लीफ प्राइमोडिया या जो भी ऑर्गन प्राइमोडिया है ये ऑर्गन प्राइमोडिया है, और बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, OC कहते हैं इसे, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, इसी में ही
बुश जीन पाया जाता है, और ऊपर की तरफ ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के ऊपर CZ है। CZ का मतलब होता है सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है ये। ये देखिए ये SM है, ये सेंट्रल जोन है, ये पेरिफेरल जोन है, लीप प्राइमोडिया है। तो जीन्स इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ SM, ये तीन जीन्स है आपको याद रखना है, STM, विशेल, शूट मेरिस्टेम लेस, विशेल और क्लेवेटा जीन। ये जीन्स किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह से ये SAM को कंट्रोल करते हैं, ये एक मैकेनिज्म है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। पहले इन जीन्स के बारे में बता देते हैं आपको। तो ये सारी स्टडी, जीन्स की जो स्टडी हमने, एक प्लांट है क्रूसीफेरी मेंबर का प्लांट है, क्रूसीफेरी का नया नाम ब्रेसिकेसी है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली का एक प्लांट है, उसका नाम है अरेबिडोप्सिस थेलियाना, अरेबिडोप्सिस थेलियाना। उसमें ये स्टडी करके देखा गया है कि ये तीन जीन्स रेस्पॉन्सिबल है SAM के लिए। रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए दूसरा जीन है, उसे कहते हैं होबिट जीन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो SAM के लिए तीन जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ये अरेबिडोप्सिस थेलियाना में स्टडी करके, इनके जेनेटिक्स की स्टडी की तब पता लगा, इन्वेस्टिगेट हुआ, और उसके बाद ये अध्ययन करने पर ये पाया गया, रिसर्चर से पाया गया कि ये तीन जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। अरेबिडोप्सिस थेलियाना में जो क्लेवेटा जीन्स है वो तीन टाइप के होते हैं, उसे कहते हैं CLV1, CLV2, CLV3। तो ये इसमें नोट्स में दे रखा है। द साइज ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम इज कंट्रोल्ड बाई इंटर सेल्यूलर सिग्नल्स, सेल सेल के बीच में जो सिग्नल्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होता है। वो जो लेयर बताई मैंने L1, L2, L3, इनके बीच में ये जीन्स पाए जाते हैं और ये कंट्रोल करते हैं, यानी L1, L2, L3, अभी जो लेयर बताई थी मैंने। जैसे ये जो CLV1 है, ठीक है ना, वो L3 में एक्सप्रेस होता है, 1 जो बताया था, और 3 जो है वो L1 और L2 में एक्सप्रेस होता है। और उस जीन जो बताया था वो सेंट्रल जोन में एक्सप्रेस होता है, L3 लेयर की सेंट्रल जोन के अंदर। तो ये इंट्रासेल्यूलर सिग्नल है। जैसे ही जीन्स में कोई म्यूटेशन होता है, किसी भी जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उस एबनॉर्मेलिटी से ही पता लगता है कि भाई किस तरह का कोई, कौन सा फंक्शन नहीं हुआ या कौन सा फंक्शन बढ़ गया। तो उससे कंक्लूजन निकलता है कि ये जीन्स ये काम करता है। तो इसलिए हम हर जीन्स को म्यूटेटेड करके उसके बाद उसका जो प्लांट होगा वो म्यूटेंट होगा, और म्यूटेंट में क्या चीज़, कौन सा फंक्शन नहीं हुआ, उससे ये पता लगता है कि ये जीन्स ये रेस्पॉन्सिबल है, ये इसका फंक्शन है। तो म्यूटेशन से भी इसकी स्टडी करेंगे। तो म्यूटेशन से ही पता लगा कि ये जीन्स, तीन जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। म्यूटेशंस इन द अरेबिडोप्सिस, ये आ गया अरेबिडोप्सिस प्लांट। अरेबिडोप्सिस का स्पीशीज है थेलियाना। क्लेवेटा जीन्स फॉर एग्जाम्पल लीड टू इंक्रीज्ड मेरिस्टेम साइज। क्लेवेटा जीन्स क्या करता है, मेरिस्टेम के साइज को जो है इंक्रीज करता है, मेरिस्टेम के साइज को इंक्रीज कर देता है। अगर हम म्यूटेशन कर देवें, कहना करते हैं कि CLV क्लेवेटा जीन्स में यदि हम म्यूटेशन कर देवें तो उससे जो है मेरिस्टेम का साइज बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा ऑर्गन्स बन जाएंगे, यानी जो म्यूटेंट होगा उसमें मेरिस्टेम का साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये कहना करती है कि क्लेवेटा जीन्स में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो वह WUS को इनिबिट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। WUS यानी WUS जीन्स को जो है, ये क्लेवेटा जीन्स इसको क्या करता है, वुश को इनिबिट कर देता है, जिससे वुश जीन एक्टिव होकर सेल डिवीजन को करेगा, जिससे बड़ी SAM बन जाएगी। कि क्लेवेटा जीन्स का ये फंक्शन है कि ये वुश को क्या करता है,
इनिबिशन का काम करता है, मतलब उसको रोक देता है, विश को रोक देता है। अब क्लेवेटा जीन्स में म्यूटेशन हो गया, यानी क्लेवेटा जीन्स नहीं रहा, तो विश को कोई रोक नहीं पाएगा। और विश का क्या कार्य है, वो बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन करेगा, करता जाएगा, और जिससे एक बड़ी एक बिग SAM बन जाएगी। तो यहाँ पर यह हम इसलिए यह ऐसा बन रहा है, इसका रीज़न यह है कि क्लेवेटा जीन्स में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो विश को इनहिबिट नहीं करेगा, तो लीड टू इंक्रीज मेरिस्टेम साइज एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्गन CLV1, CLV2 और CLV3। ये तीन बताए थे मैंने कि अरबिडोप्सिस में क्लेवेटा जीन्स के तीन टाइप हैं, और लिमिट द नंबर ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स इन बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मेरिस्टेम। ये क्या करते हैं, ये जो SM की जो नंबर है उसको जो है लिमिट में रखता है, मतलब कंट्रोल में रखता है, जो उसको जो है इनहिबिट करते हैं और विश को जो है सेल डिवीजन से रोकने का काम करता है। विश का काम है सेल को डिवाइड करना, बस ये आपको ध्यान रखना है। विश का क्या काम है, सेल को तेज़ी से डिवाइड करना, जैसे होता है ना कैंसर कर देता है, कि एक मतलब सेल मास बन जाता है, तो सेल मास उतना ही बने जितना हमको चाहिए। तो ये कौन कंट्रोल करेगा, क्लेवेटा जीन्स विश को कहेगा कि भाई अब बन गई, अब नहीं बननी चाहिए, तो ये क्लेवेटा जीन्स विश को क्या करेगा, एक तरह का ब्रेक की तरह काम करेगा, उसको रोकेगा। तो इसलिए अगर क्लेवेटा जीन्स ब्रेक ही नहीं है तो वुश तो एक्सीलेटर है, तो अपना काम करता जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी, और ब्रेक लगाने वाला कोई है नहीं, तो क्लेवेटा जीन्स एक ब्रेकर की तरह काम करता है। क्लेवेटा इज अ सेरेनिन थ्रियोनिन काइनेज, एक सेरेनिन थ्रियोनिन काइनेज है, दैट अलोंग विद द रिसेप्टर लाइक ट्रांस मेम्ब्रेन CLV2 प्रोटीन फॉर्म अ रिसेप्टर फॉर CLV3, एक रिसेप्टर बनाता है CLV3 के लिए, विच इज़ लोकलाइज इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बिटवीन सेल लेयर्स ऑफ द मेरिस्टेम। ये जो सेल लेयर है उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में ये पाया जाता है, और एक सेरेनिन थ्रियोनिन काइनेज है। तो यहाँ पर आप इन जीन्स के एक एक करके हम इनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा इसका लॉन्ग लेक्चर होगा, इसलिए हम इसको अगले पार्ट में इसको बिल्कुल विस्तृत स्टडी करेंगे। हर एक जीन्स के अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे, और जून 2017 जो कि CSIR नेट में क्वेश्चन आया था, उसको भी हम इस बेस पे सोल्व करेंगे, ताकि आगे आपको लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगी। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था आपको, अगले बार इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।